और मैं रुद्रेश पांडे एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है डीएनए एंड आरएनए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड सभी छोटे छोटे एग्जाम्स को लेकर के बड़े बड़े एग्जाम्स तक इसमें से पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक है डीएनए क्या है, डीएनए काम कैसे करता है, आरएनए क्या है, आरएनए काम कैसे करता है, और साथ ही साथ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम पॉइंट्स की बात करेंगे सबसे पहले, जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो हमारा टॉपिक क्या बनता है कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम बताइए। तो सबसे पहले हमारा बनता है क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ से फ्रेंड समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डीऑक्सीराइबो मतलब यहाँ डीऑक्सी शर्करा मिली हुई है, और यहाँ पर आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब यहाँ पर राइबो शर्करा मिली हुई है। यहाँ पर डीऑक्सीराइबो, यहाँ पर राइबो शर्करा। अब हम फ्रेंड्स इन दोनों के अंतर की बात करते हैं। सबसे पहले कि इन दोनों डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डीएनए की। डीएनए का जो केंद्रक है यह कुछ कोशिकांगों में पाया जाता है। तो डीएनए जो है केंद्रक में और कोशिकांगों में दोनों में पाया जाता है। और यहाँ पर आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ कुछ अल्प मात्रा में केंद्रक में। तो डीएनए और आरएनए दोनों का एक मेन डिफरेंस है कि केंद्रक और कोशिकांगों में, यह साइटोप्लाज्म और कुछ अल्प मात्रा में केंद्रक में यह पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे हम, यह मुख्य रूप से जीवों में आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। क्या काम करता है, आनुवांशिक पदार्थ की तरह। तो डीएनए क्या काम कर रहा है फ्रेंड्स, आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आरएनए क्या कर रहा है, विषाणुओं को छोड़ करके यह आनुवांशिक कार्य नहीं करता। तो आरएनए क्या है, अपवाद है कि यह सिर्फ विषाणुओं को छोड़ करके किसी पर भी जो है आनुवांशिक का कार्य नहीं कर रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, यह सामान्यतः डबल स्टैंड होता है। यहाँ पर क्या है टॉपिक हमारा, कि यह डबल स्टैंड है। थर्ड पॉइंट का टॉपिक है यह डबल स्टैंड है। देखिए आप कुछ इस प्रकार से जो है बनाए दिखा देता है हमें, और यह क्या है, सिंगल स्टैंड है। यह सिंगल स्टैंड होता है कुछ इस टाइप से। तो यह डबल और यह सिंगल, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका अणुभार अधिक होता है। तो डीएनए का अणुभार अधिक होता है क्योंकि यह डबल स्टैंड है, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका अणुभार अपेक्षाकृत कम होता है क्योंकि यह सिंगल स्टैंड, इसलिए अपेक्षाभार कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, डीएनए दो प्रकार का होता है। यहाँ पर डीएनए का टाइप चल रहा है तो दो प्रकार का, केंद्रकीय और अकेंद्रकीय। यहाँ पर डीएनए कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का, केंद्रकीय और अकेंद्रकीय। और हम बात करेंगे अब आरएनए कई प्रकार का होता है। तो पॉइंट्स, यहाँ कितने प्रकार का आरएनए बताया है, कई प्रकार का। एग्जाम्पल्स, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और प्रिंटर आरएनए। तो यहाँ पर जो बात चल रही है दोस्तों, तीन पर से चार प्रकार के आरएनए लिखे हुए हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए और प्रिंटर आरएनए, जो कि आरएनए के प्रकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। हमने आपको ऊपर क्लियर करा था इस टॉपिक को, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, बल्कि आरएनए में सिर्फ राइबोस शर्करा पाई जाती है। छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, इसमें थायमिन प्रकार का पिरामिड पाया जाता है। किस प्रकार का पिरामिड पाया जाता है फ्रेंड्स, थायमिन पिरामिड पाया जाता है। किस प्रकार का, थायमिन प्रकार का। और इसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल नाम का प्रकार, यूरेसिल प्रकार जो है पिरामिड पाया जाता है। तो किस प्रकार का, यूरेसिल का। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, यह समस्त जैविक गतिविधियों पर नियंत्रण करता है। जितनी भी गतिविधियां हमारी बॉडी में होती हैं उन सब पर यह नियंत्रण करता है, जैविक नियंत्रण करता है। कौन, डीएनए। लेकिन आरएनए क्या करता है, डीएनए में नियंत्रण का काम करता है। आरएनए डीएनए में मिलकर के नियंत्रण का काम कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, डीएनए लंबे समय तक क्रियाशील रहता है, इसकी प्रोसेस लंबे समय तक चलती है, लेकिन आरएनए कुछ समय तक यानी कि कम समय तक क्रियाशील रहता है। तो आरएनए का जो समय है बहुत कम है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, डीएनए में 100 द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। डीएनए में जो है 100 द्विगुणन की क्षमता पाई जा रही है, लेकिन आरएनए में यह 100 द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाती। फ्रेंड्स बहुत अच्छा टॉपिक था, 100 द्विगुणन की क्षमता पाई जाना और 100 द्विगुणन की क्षमता नहीं पाई जाना, यानी कि आरएनए में नहीं पाई जाती और डीएनए में पाई जाती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 10 टॉपिक्स लिखे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, मजेदार हैं, और आपको याद करने के लिए कोई अलग से इनको रटना नहीं पड़ेगा। आप एक बार इसको सुनिए और आपको याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने जितने भी टॉपिक लिए हैं वो सोच और समझ कर लिए हैं, आप इसे आसानी से पढ़ सकें, आपको आसानी से याद हो सके। क्योंकि सबसे पहले हमने इनका प्रारूप लिया है, पदार्थों की स्ट्रक्चर ली है,
उसके बाद ये कहाँ पाए जाते हैं और साथ ही साथ इनके छोटे छोटे रूप जो हमने आपको दिखलाए हैं, तो फ्रेंड्स आसानी से आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। लेकिन नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आने वाला है फ्रेंड्स, इस वीडियो को तो आप मिस मत करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आने वाली है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और जहां तक हो तो बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचेगी, जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो डलेगी आप तक पहुंचेगी, और आप तक पहुंचेगी तो आप आसानी से ट्रिक को समझ सकेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो होने वाली है हमारी आरएनए के ऊपर से। आरएनए क्या है, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर हमने टाइप को बताया है, नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्क्रिप्शन होगा, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।